नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज सर्कल पर। साथियों, आप लोगों से हमने वादा किया था कि जैसे ही यूपी पुलिस रिजल्ट्स अपडेट से संबंधित कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोग हमसे डिमांड कर रहे थे कि सर रिजल्ट से संबंधित कोई वीडियो बनाइए, तो हमने उन लोगों से पहले ही बात मना कर दिया था कि कोई भी हम फेक वीडियो अपने चैनल पर नहीं डालेंगे। तो साथियों, आज वो समय आ गया है कि रिजल्ट से अपडेट कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। बहुत सी बड़ी वेबसाइट हैं, उनसे भी न्यूज़ सामने निकल कर आई है, न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आई है, और साथियों कुछ हमारे सूत्रों के मुताबिक से भी खबर आई है कि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला। साथियों, देखते हैं कि कब आपका रिजल्ट आएगा। साथियों, एक और न्यूज है, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जो आर के विश्वकर्मा है, उन्होंने भी इसकी जानकारी दी है। कुछ न्यूज़पेपर ने अपने आलेख में ये छापा था। तो आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पर एनडीटीवी की ऑफिशियल वेबसाइट खुली है। यहाँ पर इन लोगों ने लिख रखा है, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड टू अनाउंस कॉन्स्टेबल एग्जाम रिजल्ट सून। तो ये लोग बोल रहे हैं बहुत जल्द आपका रिजल्ट आएगा। इन्होंने यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है। साथियों, ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से पिछली भर्ती में अक्टूबर माह में रिजल्ट आया था, इस वैकेंसी में भी अक्टूबर माह में रिजल्ट आपका आ जाएगा, और अक्टूबर से ही आपके भर्ती प्रक्रिया के जो अन्य चरण हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। एनडीटीवी बहुत बड़ा मीडिया हब है। वैसे भी कुछ दिन पहले से ही बहुत सारी खबर, बहुत सी फेक वेबसाइट होती हैं, वो दिखा रही थी कि रिजल्ट सुन लगभग 2 महीने से। लेकिन साथियों, उन वेबसाइट पर ना हम भरोसा करते हैं। हम कुछ ही जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं, एनडीटीवी जैसा हुआ दोस्तों, इसी पर हम भी भरोसा करते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल ही ऑथेंटिक न्यूज़ है। साथियों, हम लोग कुछ न्यूज़पेपर में भी आया है कुछ, तो वो भी देख लेते हैं। साथियों, ये जो आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये कोई अखबार ने न्यूज़ निकाली है, वही 18 या 19 तारीख के करीब ये अखबार में प्रकाशित हुई थी। कुछ हमारे साथियों ने यह हमको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भेजी है। तो साथियों, इसमें लिखा है, पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष आर के विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस व पीएससी के में सिपाहियों के 49,568 पदों के लिए जनवरी 2019 में हुई परीक्षा के परिणाम व आगामी चरणों की कार्रवाई भी अक्टूबर में शुरू होगी। तो साथियों, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, इसमें भी बिल्कुल भी सच्चाई है। अब साथियों, आप लोगों को बता दें कि हमारे द्वारा जो सूत्रों के मुताबिक भी न्यूज जो हमारे सामने आई है, वो भी आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि आपका नवंबर के एकदम से लास्ट 29 या 30 या अक्टूबर के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अक्टूबर से ही आपका फिजिकल चालू हो जाएगा। साथियों, एक इम्पॉर्टेंट चीज और कि लगभग महीनों से बहुत YouTube चैनल थे, वो हर दिन वीडियो डालते थे। YouTube पर पुलिस भर्ती रिजल्ट से संबंधित आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। तो साथियों, मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसे ही ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो साथियों, ये हम आपके लिए न्यूज लेकर आए हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों, जैसा मैंने थंबनेल में दे रखा है कि लड़कियां ये वीडियो जरूर देखें, तो लड़कियों के लिए मैं स्पेशल कहना चाहूंगा कि पिछली भर्ती जो संपन्न हुई है, उसमें जो गर्ल्स थी बहुत ज्यादा बाहर हुई थी फिजिकल में। उसका कारण ये भी था कि उनको टाइम नहीं मिल पाया था फिजिकल के लिए, और दूसरी चीज ये कि लड़कियां थोड़ी फिजिकल में वीक होती हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं। तो लड़कियां, अगर जिनको भी लग रहा है, हमारे कट ऑफ के मुताबिक, कट ऑफ का भी वीडियो हम बना चुके हैं, उसके अनुसार अगर वो उतने नंबर आ रहे हैं उनके, तो अभी से आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ये गुजारिश हमारी गर्ल्स और बॉयज दोनों से है कि आप लोग अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और साथियों, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि रिजल्ट के क्या तुरंत बाद फिजिकल चालू हो जाएगा पिछली भर्ती के तरीके। साथियों, पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें रिजल्ट के 24 घंटे भी नहीं दिए गए थे, और आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए थे, 24 घंटे भी आपको रनिंग के लिए नहीं दिए गए थे। लेकिन साथियों, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार लगभग आपको 8 से 10 दिन का गैप मिलेगा,
तो ये आपके टाइमिंग सुधारने के लिए अच्छा मौका मिल जाएगा, लेकिन आप लोग अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अगर आप लोग अभी भी घर बैठे हैं। तो साथियों, ये हम वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी देना चाहते थे, और आप लोग इसे बिल्कुल भी फेक मत समझिए, क्योंकि आपके लिए रनिंग का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ थी जो हमने आपको बताई। और साथियों, एक सुविधा मैंने आप लोगों के लिए और दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन करिए, और कोई भी न्यूज़ सामने निकल कर आएगी, चाहे वो फिजिकल से संबंधित हो या रिजल्ट से संबंधित हो या भर्ती बोर्ड की और भी कई सारी न्यूज़, हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नॉलेज सर्कल ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।